A very very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of Etution family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our Etution family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family, okay? So my dear class 10 students, today we are at the part 3 of this lesson, and in today's part we are going to discuss about plant movement. You might be thinking, ma'am, we know that in animals muscles are there, nervous system is there, that's why we respond. But what about plants? वो लोग respond कैसे करते हैं? उनके पास तो हमारे जैसे muscles नहीं है. You have question, right? तो चलो आपके सवाल का जवाब हम दे देते हैं. So let's move ahead. So in today's part we are going to discuss about all these questions, okay? So what are the points we are going to discuss today? We will be discussing about movements in plants and types of movements. Different types of movements are there, and we'll be discussing about some examples and the difference between these different types of movements. So can you see this GIF in which I have given? See, which plant can you recognize? Whenever we touch them, they used to close their lips. कौन सा पौधा है ये? जब हम इसे टच करते हैं तो उसके पत्ते सब बंद हो जाते हैं. हिंदी में क्या बोला जाता है? छुई मुई. और इंग्लिश में टच मी नॉट. हम लोग ना ओडिया में क्या बोलते हैं? लाजो कोड़े लौता, यानी कि ये बहुत शर्मीला किस्म का होता है. जब हम टच करते हैं तो ये क्या बोलता है? छुओ ना छुओ ना मुझे छुओ ना छुओ ना. इसका मतलब क्या है? तो ये इतना एक्टिव होता है ना, अगर हम उसे टच कर दें तो इट यूज़ टू क्लोज इट्स लिप्स. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये मूवमेंट अभी तो पता चल गया ना, प्लांट शो मूवमेंट. प्लांट्स हमें मूवमेंट शो करती हैं, लेकिन कैसे शो करती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स मूव अहेड. सी सा, हाँ, और एक मूवमेंट क्या है? सनफ्लावर बोलते हैं ना. सनफ्लावर क्या होता है? सूरज के साथ ना, विद द मूवमेंट ऑफ सन इट यूज टू मूव इट्स हेड. सो सी आवर सनफ्लावर वेरी हैप्पी एंड सन इज ऑल्सो हैप्पी, राइट? एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब यंग होते हैं ना सनफ्लावर, दे यूज टू शो द मोमेंट. जब वो बड़े हो जाते हैं, इट मीन्स मैच्योर सनफ्लावर, वो क्या करते हैं? सिर्फ टुवर्ड्स द ईस्ट दे यूज टू फेस. ठीक है, जो छोटे सनफ्लावर्स होते हैं वो बात मानते हैं ना, तो सूरज के साथ वो अपना मोमेंट शो करते हैं. लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर सनफ्लावर बन जाते हैं, दे यूज टू फेस टुवर्ड्स द ईस्ट ओनली. ओके, अंडरस्टूड? यस. नाउ सो लेट्स थिंक, कुछ सोचते हैं, है ना? सोचने में क्या जाता है? तो चलिए, हमारे दोस्त भी आ गए हमारे साथ सोचने के लिए कि प्लांट्स हैव नेदर ए नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स. एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है ना टू रिस्पॉन्ड, मसल्स भी होते हैं, बट प्लांट्स के पास ना नर्वस टिश्यूज है, नर्वस सिस्टम है, ना मसल्स है. सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? एनवायरमेंट में जो चेंज होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? दिमाग खराब सोच सोच के देखो, उस बच्चे को देखो कितना दिमाग खराब है कि क्या है, कैसे होता है. लेकिन प्लांट्स को उसकी चिंता नहीं है. देखो, दे आर वेरी कूल टाइप, राइट? सी, देखो कैक्टस कैसे डांस कर रहा है. देखो देखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को देखो, डैब कर रहा है ना? तो देखो, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं. तो आज उस मूवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे. नो नीड टू टेक टेंशन, हम डिस्कस करेंगे. अच्छा लगा ना, बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं, देखो. ओके, सो प्लांट मूवमेंट. प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दो डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट शो करते हैं. क्या क्या है? वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एक ग्रोथ के साथ डिपेंड करता है. दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और दूसरे का ग्रोथ के साथ कोई भी उसका लेना देना नहीं है. जैसे कि पहला है हमारा सीड. सीड क्या करता है? ग्रो करता है. ग्रो करके क्या बनता है? एक बड़ा सा ट्री बनाता है, राइट? तो ये मूवमेंट शो कर रहा है ना, यू कैन सी इन दिस वीडियो, राइट? ये मूवमेंट शो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इट इज़ ग्रोइंग. सो इट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. अगर ग्रो ना करे तो मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देगा. लेकिन जैसे कि हमने देखा, छुई मुई प्लांट, हमारे छुओना वाले प्लांट, टच मी नॉट प्लांट को जब हम टच करते हैं, इट यूज टू क्लोज इट्स लिप, है ना? क्या ये ग्रोथ से रिलेटेड है? नहीं ना. सो इसी वजह से हमने प्लांट के मूवमेंट को टू टाइप्स में डिवाइड किया. एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट, एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट. सो अबाउट देम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लॉट ऑफ डिटेल्स देन. सो सी,
ये है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन के बारे में। नाउ इन प्लांट्स वी सी टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट, एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। सो जो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है इट इज़ कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। कैन यू सी ट्रॉपिक मूवमेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, नास्टिक मूवमेंट। ओके, सो ग्रोथ डिपेंडेंट को फिर हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं कि स्टिमुलस की तरफ, एक होता है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट, ये फोटोट्रोपिज्म यानी कि लाइट के टुवर्ड्स ये मूव करेंगे। जियोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द अर्थ, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ। केमोट्रोपिज्म केमिकल की तरफ, जैसे पोलन ग्रेन आके जब स्टिग्मा में आते हैं तो पोलन ट्यूब जनरेट होता है। ओके, टुवर्ड्स द ओव्यूल, तो ये क्या है, केमोट्रोपिज्म। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर की तरफ जो मूवमेंट है उसे हाइड्रोट्रोपिज्म है। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये सडन, जैसे हम लोग के एनिमल में रिफ्लेक्स एक्शन होता था, सडनली वो कुछ रिएक्ट करेंगे, लाइक दैट प्लांट यूज टू रिएक्ट सडनली, दैट इज कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट। जैसे कि टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट को हम जब टच करते हैं, इट यूज टू से हाय शर्मा गई मैं, हाय हाय ऐसे बोल के क्या होती है, शर्मा जाती है ना। ओके, नाउ ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे कि हमने बात किया, ट्रॉपिक मूवमेंट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट कॉज बाय इट्स ग्रोथ। ग्रोथ की वजह से क्या करेगी, ग्रो करेगी। देखो शूट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द लाइट, रूट टुवर्ड्स अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ये क्या करें, ग्रोथ के लिए वो मूव कर रहे हैं स्टिमुलस की तरफ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। सो टुवर्ड्स द स्टिमुलस, एक होता है स्टिमुलस की तरफ विच इज कॉल्ड एज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, दूसरा होता है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जो कि किसे बोला जाता है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। नेक्स्ट कम्स ट्रॉपिक मूवमेंट के डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर दे, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। हम मैंने तो आपको बता दिया फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म क्या है। आपने वाइन्स देखा है, वाइन्स आपने वो स्टोरी सुनी है, फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ग्रेप्स आर सोर वाले। तो फॉक्स वो ग्रेप्स को क्यों नहीं खा पा रहा था, बिकॉज इट वॉज हायर। ओके, इट वॉज एट अ हाई प्लेस, तो वहाँ पर कैसे पहुँचा ग्रेप्स, ग्रेप इज अ वाइन राइट, इट यूज़ टू वाइंड अप विथ अ सपोर्ट। अगर कोई भी सपोर्ट मिलता है वो उसके चारों तरफ घूम घूम के स्प्रिंग की तरह वो क्या ऊपर उठ जाता है। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म उसी के बेसिस पे है, हमारे ग्रेप के बेसिस में, यानी कि उन्हें जब कोई भी सपोर्ट मिलता है दे यूज़ टू वाइंड अप, वो उसके चारों तरफ क्या करते हैं, पूरा वाइंड अप होके आगे बढ़ते हैं, मतलब ग्रोथ होता है उनका, ठीक है। सो देखो प्लांट इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। ओके, सो फर्स्ट कम्स फोटोट्रोपिज्म, द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। यू कैन सी हियर कैसे शूट ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द लाइट, लाइट जिस तरफ आ रही है ये उसी तरफ ग्रो कर रहा है। सो ये क्या हो गया, फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट के तरफ प्लांट का जब कोई पार्ट ग्रो करता है, मूवमेंट करता है, उसे क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट कम्स जियोट्रोपिज्म, जियो मीन्स ए टर्म रिलेटेड विद अर्थ। तो यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, रूट्स किस तरफ ग्रो कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सॉयल, डाउनवर्ड, तो ये क्या ग्रेविटी को रेस्पॉन्ड कर रही है राइट, यस। नाउ नेक्स्ट केमोट्रोपिज्म, रेस्पॉन्स टू ए केमिकल स्टिमुलस द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल। ये देखो यहाँ पे आके गिरा कौन, स्टिग्मा पे आके गिर गया पोलन, फिर क्या कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, कहाँ तक ग्रो करेगा पोलन ट्यूब, नियर टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो ये क्या है, केमिकल, ठीक है, केमिकल को रेस्पॉन्ड कर रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज केमोट्रोपिज्म। अंडरस्टूड, यस। नाउ हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो इज ए टर्म रिलेटेड विथ वाटर। तो रूट क्या करता है, टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर, नीचे की तरफ तो जाता है, कहाँ तक जाएगा, टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर, तो वाटर की तरफ जब वो ग्रो करता है, रिस्पॉन्ड करता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म। अंडरस्टूड, ओके। नाउ इट्स थिग्मोट्रोपिज्म, ग्रेप वाइन वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारे वाइन्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, देखो दे यूज टू वाइंड अप ना, उनको एक सपोर्ट चाहिए, फिर उसके चारों तरफ देखो 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 कैसे बढ़ रहा है राइट। सो मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट और सपोर्ट, उनको एक कॉन्टैक्ट मिल जाए ना, तो उसके चारों तरफ को क्या, उनको सपोर्ट मिल जाए, तो उनके चारों तरफ दे यूज टू वाइंड अप और फिर बढ़ते हैं, वी कैन सी देयर मूवमेंट राइट, यस। नाउ लेट्स रिवाइज, हमने क्या पढ़ा,
पहले पढ़ा हमने फोटोट्रोपिज्म, किसकी तरफ वो रिएक्ट करेगी, लाइट की तरफ इट विल रेस्पॉन्ड। एग्जाम्पल बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट हमने पिक्चर में देखा था। देन नेक्स्ट कम्स जियोट्रोपिज्म, जियो इज अ टर्म रिलेटेड विद अर्थ, सो इट विल शो अर्थ्स ग्रेविटी की तरफ रूट का बेंड होना। देन केमोट्रोपिज्म, केमिकल्स जैसे पोलन ट्यूब ग्रो करती टूवर्ड्स ओव्यूल। देन हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, मूवमेंट्स ऑफ रूट्स टूवर्ड्स ग्राउंड वाटर। देन थिग्मोट्रोपिज्म, फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली राइट कॉन्टैक्ट, तो मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल, टेंड्रिल क्या होता है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, टेंड्रिल टूवर्ड्स सपोर्ट। अंडरस्टूड? यस। नाउ नेक्स्ट नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक क्या था, जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। सो मूवमेंट विच इज़ नीदर टूवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुली, स्टिमुली के साथ उसको पास नहीं जाना, दूर नहीं जाना, और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट था। जैसे हमारा छुई मुई प्लांट है ना, छुओना छुओना मुझे छुओना छुओना, ओके तो इसको टच करने से करते हैं शर्मा जाती है, उड़िया में बोलते हैं लाजो को ले लाता है, इंग्लिश में टच मी नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू टच मी, राइट ओके। सो इसको स्पेशली क्या बोलते हैं, सेज्मोनास्टी, सेज्मो मीन्स शॉक। तो अगर हम वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वेन एवर वी टच इट यूज टू शॉक, गेट शॉक्ड, वो क्या है तो डर जाती है, देन इट यूज टू क्लोज इट्स लिप्स। टच मी नॉट प्लांट जिसको हम क्या बोलते हैं, मिमोसा पुडिका, ये देखो कैसे टच करने से इट यूज टू क्लोज इट्स लिप्स, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक। ट्रॉपिक क्या है, यस ये क्या करता है, डिरेक्शन, स्टिमुलस के डिरेक्शन में ग्रो करता है, ये नॉन डिरेक्शनल है, ग्रोथ है यहाँ पे ट्रॉपिक में, नास्टिक में ग्रोथ डज नॉट टेक्स प्लेस, एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर स्लो, इजीली हम नहीं देख पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन नास्टिक में मूवमेंट्स आर फास्ट, सडन रिएक्शन, राइट। सो एग्जाम्पल इन ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट वी कैन सी, एंड नास्टिक मूवमेंट द फोल्डिंग अप ड्रॉपिंग लिप्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, जैसे हमने छुई मुई प्लांट को टच किया था, इट यूज टू क्लोज इट लिप्स। क्लियर? आई होप दैट इट्स वेरी क्लियर टू यू। सो नाउ कोट्स टाइम, ए पॉजिटिव माइंड सेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स। तो बच्चों ऐसा कहा जाता है ना, कहावत है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, है ना। इट मीन्स दैट आप अगर पॉजिटिव माइंड सेट रखोगे ना, आप सोचोगे नहीं इसमें कुछ तो अच्छा है, तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, आप दूसरों को जैसे बिहेव करोगे अच्छी तरह पॉजिटिवली बिहेव करोगे, सो दे विल शो यू पॉजिटिव थिंग्स, राइट। तो लाइफ में कभी भी हमेशा निराशा नहीं होनी चाहिए, यू हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव सो दैट पॉजिटिव थिंग्स विल कम टू यू, ओके। सो माई डियर किड्स, विद दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू बी ए पार्ट ऑफ आवर ए ट्यूशन फैमिली, डोंट फॉरगेट टू वॉच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड हैप्पी रीडिंग।